नमस्ते, मैं गुजरात से हूँ। मेरी उम्र 37 वर्ष है। मुझे गर्भ निकलने की तकलीफ है। ये तकलीफ मुझे तकरीबन 5 साल या उससे ज़्यादा भी साल से हुई है। तब मेरी बेटी 3 साल की थी। उसके बाद मुझे तकलीफ़ हुई और जब ये तकलीफ हुई तब हमने एक एमडी डॉक्टर को बताया तो उसने बोला कि आपको दूसरी डिलीवरी करनी हो तो कर लो, वरना इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और उसके बाद मेरे हस्बैंड के एक दोस्त है, उसने मुझे कुछ कसरतें बताई, वो मैं कर रही थी। उसके बावजूद मैं कपालभाति भी करती थी हर रोज़ नियमित, फिर भी ये तकलीफ है वो मुझे कम नहीं हुई। एक गर्भ निकलने की तकलीफ में मुझे कोई जलन नहीं थी, कोई दर्द नहीं था, परंतु ये दिन पे दिन बाहर ज़्यादा से ज़्यादा निकलने लगा था। उसके बाद मुझे एक लड़का हुआ और वो अभी 3 साल का है। अगले 5वें महीने में यानी कि मई महीने में मुझे तकलीफ बढ़ गई। जो गर्भ निकलता था 1.5 इंच जितना, वो ज़्यादा हो गया, 4 इंच जितना बाहर निकलने लगा। तभी एक बहन ने मुझे गोविंद शरण भाई के नंबर दिए और उसने मेरी जांच करनी शुरू की दी कर दी। उसने मुझे मेथी के लड्डू और कुछ होम्योपैथी दवाएं दी और वो मैंने चालू किया। जब मुझे ये तकलीफ हुई थी तब डॉक्टर ने मुझे कुछ भी भारी वजन उठाने को ना बोला था और जैसे मैं ज़्यादा काम करती थी तो भी मुझे ये तकलीफ ज़्यादा निकलती थी। जैसे कि मैं खड़ी रहती तो भी वो नीचे आ जाता, टॉयलेट में जाती तो भी ये नीचे आ जाता था, सोने के बाद तो 15-20 मिनट के बाद ये अंदर जाता था, तब तक वो बाहर ही रहता था। परंतु जैसे ही मैंने ये गोविंद शरण भाई की दवाएं चालू की और मेथी के लड्डू खाने की शुरुआत की तो 1 महीना तो मुझे कोई फर्क नहीं दिखा, परंतु जैसे ही 2रा महीना हुआ कि मानो चमत्कार हो गया। और ये चमत्कार ऐसा हुआ कि मुझे डायरेक्ट 50% नहीं परंतु 70 से 80% इसमें आराम मिला। और आज मुझे ऐसा लगता है कि तकरीबन लगभग मैं ठीक हो गई हूँ और ऐसा महसूस होता है कि ये तकलीफ धीमे धीमे धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। फिर मैंने अभी 2 दिन पहले गोविंद शरण भाई से बात की और उसे बताया कि मुझे कितना आराम है, तो उसे भी ऐसा लगा कि नहीं, ये आराम बहुत अच्छा है। और इसमें मुझे गोविंद शरण भाई ने एक रोगन गुल और मोजन सुपारी पाक, वो दो चीज़ इस महीने से ऐड किए। इसमें रोगन गुल है वो मैं हर रात हल्दी में मिलाकर रुई के साथ गर्भ पर रख कर सोती हूँ और सुपारी पाक रोज रात को 1 चम्मच खाती हूँ। होम्योपैथी ड्रॉप्स, मेथी के लड्डू, कुछ कसरतें और ये सब करने के बावजूद आज मुझे 80% जितना फर्क है। मैं चाहती हूँ कि मेरी जैसी कई बहनें इस तकलीफ से गुजर रही है वो भी ठीक हो, और वो ठीक हो जाएगी ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि मैंने कई ऐसी दवाएं खाई और कई ऐसे प्रयोग किए फिर भी इस तकलीफ में कुछ आराम नहीं था। परंतु इस दवाइयों से और मेथी के लड्डू से तो मानो मेरे जान में जान आ गई है, कोई नई शक्ति मेरे शरीर के अंदर हो गई हो ऐसा लगता है। कोई थकावट नहीं, कोई थकान नहीं लगती, सारा दिन काम करती हूँ फिर भी मुझे कोई थकावट नहीं लगती और मेरे शरीर में एक नई शक्ति की जादुई छड़ी हो गई है। और गोविंद शरण भाई का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिनसे मुझे ये विचार मिले और जिसने मुझे मेरी जांच करके मुझे ये इसमें आराम दिलाया। और मुझे लगता है कि अगले 2 महीने में तो मैं पूरी ठीक हो जाऊँगी और ये विश्वास गोविंद शरण भाई का है कि मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊँगी और मैं ऑपरेशन से बच जाऊँगी। वरना सभी डॉक्टर और जिसके भी पास में सुनती वो मुझे यही कहते कि इसका तो ऑपरेशन ही होगा, परंतु एक दिन मैं सबको कहूंगी कि नहीं, मैंने ये आयुर्वेद से अपनी तकलीफ को दूर किया है। वैसे मेरी जैसी कई बहनों को भी ये तकलीफ दूर हो, बस इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। और सभी बहनों को मेरी तरफ से ये सब दवाएं खाए और धीरज से ये सब काम करे ऐसा कहना चाहती हूँ।
अभियान या ये बातें या ये ज्ञान सतत निरंतर चलता रहे, इसके लिए आपकी मेरी एक छोटी सी कोई एक एडजस्टमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा। मैं ये चाहता हूं कि जो कुछ मैंने सीखा वो आप सीख लो।